लेके चलना है तो उनके साथ आपका अच्छा सर बीमार है भोजन उचरो सकता नहीं पूछ सकता अच्छा सही है ठीक है फिर आप वापस आओगे कितनी आदमी के साथ सब अच्छा पर हुआ अच्छा जब से अलग है तो चलो ठीक है सर ठीक है ओके आई लव यू फीमेल एक्सपर्ट जो होती हैं वो ज़रा थोड़ा सी हार्ड वर्क होती हैं, ज़रा थोड़ी सी वो हर एक चीज़ को पैशन से लेती हैं, सिंपैथीज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये अपने काम को बहुत दिल से करती है क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, इसका दिल बड़ा अच्छा नरम होता है तो वो हर काम को अपने दिल पे लेके करती हैं। तो फिर वो मेल अफसर से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ अपने आप को प्रूव करने के लिए और इस तरह की सीटें दी जाएँ तो वो मेल अफसर से बहुत अच्छा काम करेंगी। जरूर एग्जाम दें किसी न कभी ना कभी तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और मेरी दुआ आपके साथ है। मेहनत करती रहा करें और करती रहें इंशाल्लाह यू विल डू इट। कंट्रोल सबको मेरी तरफ से ये कह दें कि वो शिफ्ट तब्दील हो चुकी है और उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट आ रही है तो वो बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी करें, रोड यूज़र के ऊपर नज़र रखें, सर्च एंड स्ट्राइक की जो बातें होती हैं वो मद्देनज़र रखें। इसके अलावा ये है कि जितने भी रोड पे मसले मसाइल हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से हल करें। हम खुद हमारे अंदर इसकी अवेयरनेस हो कि हम पहले खुद सलाम और कलाम वाली बात करें। इसके बाद हमें रोड वालों को भी बताना है कि पहले सलाम फिर कलाम। और बस ये अपनी जैकेट ठीक करो, ये शोल्डर्स के अंदर डालो, आगे वाला भी करो, ये फ्लैप के अंदर करो, ये जैकेट करो। ये यूनिफॉर्म पहनने का सही तरीका अच्छा है जब आप अपनी ये जैकेट पहनो क्योंकि हमारी जो पुलिस फोर्स है इसके साथ जो हमारा यूनिफॉर्म है चलो रोज़ अल्ताफ मैडम हम ډېر رولز دی ځکه چې تر ننه پورې ټول کم افسرانو سړیو ټول عوامو سره ډیلینګ دا ډېر ګران کار دی جی او میډم چې راغلی دا په خپله پروت ګرځم سپروایزنګ کوي هر یو کس ته ټیو دی کانسټیبل دی نصیحت کوي چې عوامو سره اول سلام کوي بیا په طریقه خبره کوي چې عوامو ته څه تکلیف پیش نه شي یا څوک شکایت ونه کړي صفا ډریس اچوي د دې په وجه باندې هغوی ډېر کار کوي بچي हाँ, डर तो उस वक्त लगता है जिस वक्त हम कैजुअल में होते हैं, जिस वक्त हम अपनी ये वर्दी पहन लेते हैं तो उस वक्त हमारा डर मत सारा ख़त्म, क्योंकि इस वर्दी में इतनी ताकत है कि मैं फिर परवाह नहीं होती।